गाइस फाइनली अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। यूट्यूब में चलते हैं। यूट्यूब में आने के बाद में हमें करनी देख लेना जोन से पे हमें करनी है वीडियो अपलोड। तो यहाँ से हम अपना चैनल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में अब गाइस जो प्लस का निशान दिख रहा है इस वाले प्लस के निशान पर हमें क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद में क्रिएट स्टोर पर क्लिक करना है। क्रिएट स्टोर पर क्लिक करने के बाद में हमारी वीडियो है एक मिनट की, तो यहाँ पर हमें जो 15 सेकंड दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। 60 सेकंड कर लेना। करने के बाद में जो लेफ्ट साइड में कोने पे पिक्चर दिख रही है यहाँ पे क्लिक करना और वो वीडियो उठा लेनी है जो उनसे हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो हमने उठा ली है और इसको हमने यहाँ पे एकदम डन कर देना। अब दोस्तों हमारी यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट होकर के आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है राइट वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक कर देने के बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक कर देने के बाद में जो आप पेंसिल का निशान देख रहे हैं यहाँ से कोई ऐसा थंबनेल इसमें से चूज़ कर लेना जो अट्रैक्टफुल लगे। तो हम इसमें से एक चूज़ कर लेंगे ऐसे कोई सभी जो ज़्यादा अट्रैक्टफुल लगेगा हमें। तो हमने ये यहाँ पर चूज़ कर लिया। यहाँ पर चूज़ करने के बाद में इसको चूज़ करने के बाद में हमें यहाँ पर डन कर देना है। ये हमारा हो गया थंबनेल चूज़। अब दोस्तों करना क्या है यहाँ पर हमें टाइटल लिख देना क्या वीडियो का जो टाइटल है यहाँ पर हमने टाइटल लिख दिया इसका। यहाँ पर ऐसे टाइटल लिख देना है आपको। टाइटल लिख देने के बाद में आपको डालने हैं यहाँ पर हैशटैग, तो जिससे आपको वीडियो अपनी वायरल करानी है वो वाले यहाँ पर आपको हैशटैग डालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, एक हैशटैग डालना है आपको शॉर्ट का। हैशटैग लगाया और लिख दिया SHORTS शॉर्ट्स का हमने एक हैशटैग लगा दिया। दूसरा आपको दूसरा गाइज हमें हैशटैग लगाना है यहाँ पर। हैशटैग डालने के बाद में यहाँ पर लिखना है YouTube शॉर्ट्स नीचे लिखा हुआ आ गया। ये YouTube खुद रिकमेंड कर देती है आपको कौन सा आप यहाँ पर टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, खाली लिखना है एक अक्षर बस। अब दूसरा हमें लगाना है गाइस YouTube फीड यहाँ पर फीड आ गया। यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ये हमारे तीन जो है मोस्ट कॉमन हैशटैग हो गए जिससे हमारी वीडियो वायरल करेगी। अब गाइस जो हमारी वीडियो जिस चीज़ पर आधारित है अब हमें वो वाले टैग डाल देनी है। जैसे हमारी वीडियो है रमज़ान के ऊपर आधारित, तो यहाँ पर हमें डाल देना है रमज़ान। ये हमने डाल दिया नीचे आ भी गया, इस पर हमें क्लिक कर देना है रमज़ान। फिर नीचे डालना है हमें मोटिवेशनल, ये हमारी वीडियो से रिलेटेड है हैशटैग ये डाल रखनी है हमें अनलिस्टेड करके। और यहाँ पर अगर आपके में आ रहा हो एड पैड प्रमोशन वाला ऑप्शन तो इसको नो कर देना है। तो नो कर देने के बाद में गाइस आपको लोकेशन अगर डालना चाह रहे हैं तो लोकेशन डाल दे देनी है जिससे आप कोई सर्च करेगा उस लोकेशन को तो एकदम सही जो है उसको वीडियो आप उसके सामने आ जाएगी। तो हमने ये डाल दी है बरेली वालों की, ये वीडियो है ईशान भाई की, तो हमने ये डाल दी है जिस पर हमने रिएक्शन दी है। तो बरेली की हमने लोकेशन डाल दी है, वहाँ का कोई बंदा सर्च करेगा तो ये वीडियो उनके सामने दिखाई देगी उनके फ़ोन पर। तो अब हमें यहाँ पर वीडियो अनलिस्टेड करने के बाद में अपलोड शॉर्ट पर क्लिक कर देना है। अपलोड शॉर्ट पर क्लिक कर देने के बाद में अब सी वीडियो हम देख लेते हैं गाइस। अब यहाँ पर हमारी वीडियो वीडियो 100% मतलब डल चुकी है, प्रोसीड में अभी चल रही है, अभी हम आपको दिखाते हैं। वीडियो हमारी यहाँ पर डल चुकी है। अब करना क्या है आपको जाना है बायटी स्टूडियो में, बैक आ जाती है हम इसमें से। बैक आने के बाद में यहाँ पर जो बायटी स्टूडियो है इस पर क्लिक कर देना है। बायटी स्टूडियो अगर आप यूट्यूबर हो तो आप जरूर चलाते होंगे। तो यहाँ पर हम आ गए। इसमें आने के बाद में हमें कंटेंट पे क्लिक करना है, जो है कंटेंट लिख रहा है कंटेंट पे हमने क्लिक कर दिया। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारी जो वीडियो हमने डाली है वो आ चुकी है, इफ्तार के वक्त मोबाइल चलाना कैसा है, इस पर हमें क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद में हमें पेंसिल वाले आइकन पर जाना है और इस पर जाने के बाद में गाइज इफ्तार जो ये टाइटल है इस पर थोड़ी देर हमें प्रेस करना है और इसको हमें सारे को कॉपी कर लेना है। अब कॉपी कर देने के बाद में डिस्क्रिप्शन जो लिख रहा है यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन इस पे आपको जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो आपने वो किया था कॉपी। यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह किसी भी वीडियो का लिंक वगैरह भी डाल सकते हैं। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में गाइज इसको सेव कर देना है यहाँ से। यहाँ सेव करने के बाद में फिर आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में गाइज आपको जाना है मोर ऑप्शन में, जहाँ पर लिख दिया मोर ऑप्शन यहाँ पर आपको टैग डालने हैं। इस पर आ गए। अब यहाँ पर हमें ऐड टैग पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर डालना है आपने पीछे टैग डाले थे, यहाँ पर शॉर्ट डाल दिया हमने गाइज। इस तरह से आपको सब हैशटैग डालने के बाद में फिर वापसी आ जाना है। वापसी आने के बाद में ये हमने यहाँ पर देख सकते हैं हैशटैग सभी डाल दिए। हैशटैग डालने के बाद में वापसी आने के बाद में फिर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ दो स्टेप फॉलो हो चुके हैं यहाँ पर। अब तीसरा स्टेप फॉलो करने के लिए फिर वापसी आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में गाइस फिर आपको जो विजिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर, विजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद में पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर बैक आ जाना। बैक आने के बाद में गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस ये हो गया हमारा प्रोसेस पूरा। अब यहाँ पर वीडियो पर ज़्यादातर चांस रहते हैं वायरल होने के और व्यूज आने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सालिम डिस्कवर 2.0।